डीएवी कॉलेज हो, ये एरिया ज़्यादा घूमते थे, और या फिर इस तरफ जहाँ वो इंपीरियल सिनेमा था वहाँ तक पहुँच, वो एरिया में हम लोग ज़्यादा घूमते थे। शहर भर में हम बहुत कम जाते थे। समझ नहीं आता कि क्या बताऊँ। अच्छा, बहुत खुशी हो रही है कि मैं एट लास्ट अपने घर जाऊंगी, और आप सब ने मिल के कोशिश की और मैंने भी की, तो आज वो दिन आ गया कि मैं वहाँ जा रही हूँ। उदासी भी है और खुशी भी। तो आपका जो इमेजिन था उस घर के बारे में, हाँ जी, अब कैसा है कि क्या वो वैसा ही होगा जैसा आप छोड़ के गई थी? आपको सारा घर याद है अंदर से कैसा बिल्कुल था? बिल्कुल याद। अच्छा। एक एक चीज़ याद है, वो गलियाँ, वो गली भी याद है, गली में जितने घर थे और वहाँ कौन रहता था वो भी सब याद है। कुछ इर्द गिर्द के लोगों के नाम के? नहीं, सामने प्लाजा बन गया। सामने प्लाजा बन गया वो, वही मैंने कहा। याद आया आपको कुछ? याद आया? ये आपकी बहन निगत, निगत मुमताज नाम है। मेरी चार बहने, माशाल्लाह चार बहने हैं इसकी। हम भी चार बहने, मुकाबला बराबर है। अच्छा, 15 साल की थी तो कहीं थी? 15 साल। सारा कुछ याद होगा आपको? पूरा सब, मेरे को एक एक जगह याद है। आपका साथ अलग है, ये साथ वाले घर में रहते हैं? साथ वाला घर हमारे पास है, पूरा याद है। वहाँ कौन रहता था? मल्होत्रा थे, पेशावर के। पेशावर के थे मल्होत्रा। हमारे ना घर के बड़ों की आपस में बहस होती है, कोई कहता है यहाँ सिख रहते थे, कोई कहता है यहाँ पे हिंदू रहते थे। हमारी फैमिली यहाँ पे सिख, सब वो कहते घर के बाहर मूर्तियाँ बनी हुई है, मूर्ति भी बनी हुई घर के बाहर, सांप भी है। एक सिख फैमिली थी जो किराए पे आई थी, वैसे सिख थे। तो ये जो फैमिली इनका आपसे रहा है, ये जो हमारे घर में रहती थी, ये तो साथ वाले घर, साथ वाले सारा दौर आपको याद आ रहा होगा वो। ये चिप्स बाद में पड़ी है, वो टाइले आपके आपको पहले ये टाइल। ऊपर भी मैं एक एक जगह से बता सकती हूँ, बिना देखे भी मैं तस्वीरें लाई हूँ जो ऊपर छत पे ली हूँ। बोरिंग भी हुई है ना? आप भी आ जाते, बोरिंग भी हुई है। ये नया पुराना, ये नया वो पुरानी लगी हुई है टाइल। ये उस वक्त इतना थोड़ा सा अलग हो। अम्मी कह रही ये उधर आएंगे या मैं इधर आप लोग बैठ जाए ना। मास्टर बेडरूम जी, बिल्कुल ये मास्टर बेडरूम। अभी भी मास्टर बेडरूम, अभी भी देखे मास्टर बेडरूम यही है। अलमारी भी पुरानी है, अलमारी भी नहीं, नहीं अलमारी
नहीं बैठे आप बैठे हाँ ये बात सारा यहाँ का तो ये इतना अच्छा फर्श है इतने पुराने जमाने शादी पे आना बना रहे हैं बना रहे हैं कार कार तो अच्छा क्यों खुश नहीं क्यों अच्छा तो ये हमारा घर कौन से सन में बना था सात वाला घर सात का मेरा ख्याल है या तो हमारे से पहले बना होगा क्योंकि मुझे जब से याद है वो था कोई मुख्तलिफ लग रहा है आपको डिफरेंट लग रहा है आगे से उस दौर का इस दौर का नहीं देखो घर तो अंदर से वैसा है बस डेकोरेशन अलग हो गई है क्योंकि हमारे टाइम पे ये आप ले वहाँ पे एक बेड होती थी इधर एक बेड इधर भी बेड होती थी ये ले माँ बाप हमारे इधर सोते थे ऊपर सजाद सजाद वो सामने वाला सजाद उसमें भी आप आपकी क्या लगती है कुछ भी नहीं मैं कैपिटल मीडिया से साथ में आई हैं जी हम जरा माँ जी को घुमाने आए ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜੀ ਲੰਗਰ ਨੇ ਮਾਂ ਜੀ ਐਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਨ ਲੋਗੋ ਸੇ ਮਿਲ ਕਰ ਆਪਕੋ ਅਪਣਾਈਏ ਤੋ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋ ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੇਖੀਏ ਤਕਲੀਫ ਤੋ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਥਾ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ पर ये है इस बात की खुशी है कि ये जो आप ये रह रहे हैं अपने राशि को भी अच्छा रखा है अच्छे इंसान है हमें आने दिया नहीं दीदी आपका आपका अपना घर है हम आपके अपने हैं आपको क्या आपने तो ये सोच रहे नहीं था कि आने के ये आपका अपना घर आप जब मर्जी तशरीफ लाएं कोई मसला ही नहीं ये मेरा बेटे है ना मेरी आपसे बात हुई थी चार महीने पहले बिलाल हाँ आपसे बात हुई थी ना मेरी चार महीने पहले आपसे बात मैंने बाहर से ही देख के मैं घर को रखा तो अच्छा मैंने उनको बोला सन में किसी को नहीं दिया बेटा तो किसी को चले मैंने दो वहाँ से कसौली से कोई आए थे उन्होंने ये घर अच्छा जो पहले यहाँ थे सबसे पहले वो कसौली से कौन था दिया कसौली से दीदी खाने में क्या पसंद करेंगी आप खाना मैं अब नहीं खाऊंगी यहाँ का एक सेवर फूड है बहुत मशहूर है सेवर फूड यहाँ के चावल बताए नाम है सेवर फूड राइस तो चावल ही होते हैं बहुत मशहूर है बहुत मशहूर है वो जायके के लिहाज से आप वेजिटेरियन तो नहीं है वेजिटेरियन है हाँ उसमें चिकन और कबाब होता है नहीं मैं ठीक है बैठो बैठो बाजी ने बैठ लिया बैठो 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ तू इधर आ जाओ आ जाओ आ जाओ तू इधर आ जाओ
ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਬਾਤਾਂ ਬਰੀ ਫੈਮਲੀ 8 10 ਲੋਕ और किसी चैनल को तो नहीं पता तो चल गया था लेकिन अंदर सबको नहीं हमलाए जी मैं कैपिटल सज्जाद भाई सीनियर है मैं उनकी जूनियर अभी तो बन जाए मेरी शादी भी है ना तो उसमें तालाब था पानी मछलियाँ रखते थे घर के अंदर ही गैरेज भी था फर्स्ट और लास्ट ये यहाँ पे कार सबको पसंद आती है कि सबको अखीर में एंड में जाके गैरेज था मेरी मिक्स्ड फीलिंग है मैंने बताया ना मुझे खुशी भी हो रही है उदासी भी हो रही है खासी उदासी हो रही है क्योंकि मैं अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस कर इतनी फैमिली हम 8-10 लोग रहते थे और अब मैं अकेली हूँ पर बाकी घर को देख के बड़ी खुशी हो रही है कि घर वैसा का वैसा है और इन्होंने बहुत अच्छा रखा हुआ है मुझे इन्होंने बहुत वेलकम किया है तो ऐसे लगता है कि अपना ही घर आते एक तो रावल रेगुलर हमारा साल में 2 बार ही होता था सर्दियों में लाहौर गर्मियों में कोमरी यह तो पक्का था वो ये है कि मेरे को ऐसा है कि 75 साल से तो नहीं कह सकती लेकिन कम से कम 60 साल से तो है कि मेरे को था कि मैं ज़रूर अपना घर जाके देखूं सो ये मेरा ख्वाब पूरा हो गया चाहिए हर धर्म अपना अपनी जगह है पर सब धर्मों का धर्म की हो गया इंसानियत का इंसान बन के रहो मुझे बताएंगे आपको क्योंकि सब कहते होते थे कि यहाँ वापस आएंगे ये सब गांव में होता था शहरों में नहीं होता था सब बकवास है यहाँ कोई अंदर खुला था दरवाजा नहीं था और यहाँ पे एक वो होल बनाया था जिसमें पानी भर के रखते थे पंप साथ लगा हुआ था पंप से बाकी यहाँ पे कुछ सामान वगैरह रखते थे डेली हम डाइनिंग टेबल नहीं यूज़ करते थे कोई आया तो सब करते थे बाकी हम सामने होते आपकी मेन रिहाइश नीचे होती थी नीचे ये लोग ऊपर रहते हैं ना रिहायश इनके ऊपर किचन चीजें सारा कुछ इनके ऊपर है रिहायश थर्ड फ्लोर पे और ये
ऊपर रहते नहीं थे, ऊपर ही रहते थे, आठ नौ लोग थे बेडरूम दो ऊपर नहीं, तो यहाँ थोड़ी सी बीच में ऊंचा बना हुआ था। मैं पता यहाँ से लाइव नहीं जा रहा है, एक मिनट ये जिसको आप बैठक कह रही थी, इसका बाहर भी दरवाजा गली में खुलता है। जी वही बात, ये बड़ी बैठक थी, वो छोटी बैठक जी, वो छोटी बैठक। ये इस कमरे से हमारा बहुत जोड़ है, यहाँ पे हमारी भी तस्वीरें होती थी, मेरे भाई की ये तस्वीर थी, ये पता नहीं ड्रेस और पगड़ी भी पहनी। मैं कोई फोर्थ की शादी हो, इधर खाना खिलाते हैं, मैं भी हमारी इधर है, इधर है। अच्छी तस्वीर आएगी बनाएगी, इधर आ जाए। मेरे को जाहिर को बुला दे, एक मिनट, अब जगह नहीं है जाहिर की। जहाँ वो जो घर वाले हैं उनको भी मिले, और जो नेबर हैं वो भी सब मिल रहे हैं। वो बहुत कर रही है, बहुत कर रही है। जो नेबर हैं वो भी सब मिले, नहीं घर तकरीबन वैसा ही है, बहुत कम बदलाव है। हाँ बिल्कुल, मैं पूरा सब देख के आई हूँ, और सब मैं वो बताऊंगी आपको। मैंने सब कमरों में अलग से तस्वीर वगैरह भी ली है। अच्छा, वो मैम अभी आपके थॉट्स क्या है इस समय, हाउ डू यू फील, आर यू मस्ट बी मिसिंग देम, दैट्स आप कह रहे हो? नो, इस वक्त तो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, इस वक्त आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। मैं नीचे काफ़ी इमोशनल हो गई थी, रो भी पड़ी थी, पर इस वक्त आई एम इन रियल गुड मूड। जी मलक फैज़ ये रहती हैं यहाँ। हाँ, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।